नमस्कार इंडिया और स्वागत है वीकी न्यूज जालौर। जालौर में आज होमगार्ड एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन मानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिलाधिकारी महोदय जालौर को सौंपा गया। टाउन हॉल में मैदान से शुरू हुई पद यात्रा में सैकड़ों की संख्या में होमगार्डों ने नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचकर एक साफ सुथरी ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे 40,000 होमगार्डों को निकाल दिया गया और जो 9,000 निकाले जा रहे हैं उनकी नौकरी छीन ले गई। एक तरफ मानी प्रधानमंत्री रोजगार की बात करते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार की बात करते हैं और हमारी नौकरी छीनने जा रही है। कहां से हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कहां से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? यही व्यवस्था रही तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि होमगार्डों को नियमित नौकरी रखा जाए। क्या नाम है आपका? मैं कमिश्नर कुमार द्विवेदी, होमगार्ड एसोसिएशन जिलाध्यक्ष जनपद जालौर। आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड जो है वो एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण? आज हम उत्तर प्रदेश के हमारे करीबन 1,00,000 की संख्या हमारे होमगार्ड जवानों की है और आज करीबन 41,500 होमगार्ड जवानों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और 9,000 अभी सुनने में आया है कि और निकाल दिए गए हैं। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों को नियमित 12 माह का रोजगार दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आज यहाँ तो हम लोगों को रोजगार ही ख़त्म कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा मैं कि हम लोगों को 12 माह रोजी रोजगार चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, आज हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे बच्चों को, अपना वेतन जो मिलता है उसी में गुजारा करके अपने जवानों को पढ़ा करके और अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को दरकिनार करके रोड पर खड़ा कर दिया। मैं चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, योगी जी नो माननीय तो बाबा है और निश्चित रूप से हम लोगों की बात सुनेंगे और हम लोगों को 12 माह ड्यूटी, और हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं, जो भी हमारे जनपद में जवान आवाज़ उठाते हैं, तो संगठन के नाम पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, यानी करीबन जो है बर्खास्त कर दिया जाता है। अच्छा, तो मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या रणनीति रहेगी? आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो भी ऊपर निर्देश देंगे हम लोग आगे उसका पालन करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों को 12 माह की रोजी रोजगार दें और जो हमारे जवान बाहर किए गए हैं, बर्खास्त किए गए हैं, उनको बिना शर्त बहाल करें।